हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? आज आपके लिए लेकर आई हूँ एंटी एजिंग फार्मूला, जिसको फॉलो करके आप अपनी स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस को रिड्यूस कर सकते हो और साथ साथ आप अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाइट भी बना सकते हो। एक्चुअली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, वैसे वैसे स्किन पर फाइन लाइंस, रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन पर एजिंग स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसे में आपको जो है ना, ये फार्मूला बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वर्क भी करेगा और बहुत ही आपको इफेक्टिव लगेगा। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग होगी, हेल्दी होगी, रिंकल फ्री होगी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे बनाना है और कैसे फॉलो करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंटी एजिंग फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें चाहिए एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट, जो कि मैं यहाँ ले रही हूँ कैरेट। कैरेट को आपने अच्छे से पील ऑफ करके, ग्रेट करके और उसका जूस आपने यहाँ पर इस्तेमाल में लाना है। कैरेट जूस एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, जो कि आपकी स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस को दूर करता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। आप चाहें तो डेली 2 कैरेट अच्छे से वॉश करके खाएंगे, तब भी आपको जो है ना इंटरनली बेनिफिट मिलेगा, आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी, यंग रहेगी। अब आपने इसके अंदर जो है ना हिबिकस पाउडर डालना है, थोड़ा सा हिबिकस पाउडर जो होता है ये भी स्किन को रिंकल फ्री बनाता है, स्किन को हेल्दी बनाता है, स्किन पर जितने भी स्कार्स वगैरह होते हैं, फाइन लाइंस जो होती हैं उनको रिड्यूस करके आपकी स्किन को एकदम से ब्राइटन अप करता है। तो हिबिकस पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन को यंग बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट आपने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस भी विटामिन सी से भरपूर है, स्किन को यंग बनाएगा। और थोड़ा सा ऐड कर दीजिए इसमें सेसम ऑयल, यानी कि तिल का तेल, जो कि आपकी स्किन को टाइट ब्राइट करके आपकी स्किन से फाइन लाइंस, रिंकल्स को एकदम से कम करने लगेगा। थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लीजिएगा, एलोवेरा जेल नहीं है तो कोकोनट ऑयल डाल लीजिएगा, या थोड़ा सा अगर आपके पास कुकुम्बर जेल है तो वो डाल लीजिएगा। ये इंग्रेडिएंट सारे के सारे बहुत बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और स्मूथ सी कंसिस्टेंसी का ये पैक बनाकर तैयार कर लीजिएगा। इसको आपने अपनी क्लीन फेस पर अप्लाई करना है। वॉश कीजिए फेस को, ड्राई कीजिए और फिर इस पैक को अप्लाई कीजिए। 15-20 मिनट्स लगाकर रखिए, स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी। रेगुलर बेस पर लगाओगे तो स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइन्स एकदम से हटने लगेंगे। सो गाइस, आई होप आपको आज का फॉर्मूला काफी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा वीडियो। तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।